गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हमने स्टार्ट की थी उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट। उसके कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं अपन। इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है जबकि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। हमें प्रूफ करना है कि ग्रुप जी जो है, ये ग्रुप ए है, ये गुणा द्विचर संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेट ए दिया हुआ है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें बताया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल का मतलब ओमेगा स्क्वायर का या ओमेगा की क्यूब का मान होगा वन। ठीक है, ये हो गया इकाई के घनमूल। अच्छा, हमें ग्रुप प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हम संक्रिया सारणी बनाते हैं गुणा द्विचर संक्रिया के लिए। ये गुणा द्विचर संक्रिया हुई हमारे पास और एलिमेंट है हमारे पास वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इधर वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन, वन ओमेगा से होगा तो ओमेगा, वन ओमेगा स्क्वायर से होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इधर ओमेगा वन से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा की पावर टू, ये हो गया ओमेगा की पावर थ्री। ओमेगा की पावर थ्री का मतलब वन। ओमेगा स्क्वायर को वन से किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा की पावर थ्री, थ्री का मान वन। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर, ओमेगा पावर फोर को आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा ऐसे कैसे, ओमेगा की क्यूब वन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ओमेगा, तो यहाँ आएगा ओमेगा। ये आपके पास बन चुकी है संक्रिया सारणी। अच्छा, ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, तो वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था भाई, कि प्रत्येक अवयव संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव जो है ग्रुप, ये समुच्चय ए का अवयव है। इसका मतलब ये जो समुच्चय ए था ये गुणा द्विचर संक्रिया के लिए क्या होगा, क्लोजर होगा। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में या समुच्चय ए का है, अतः ए जो है समुच्चय ए गुणा द्विचर संक्रिया के लिए या गुणा द्विचर संक्रिया जो है ए में, संक्रिया जो है ए में क्लोजर है। क्लोजर है का मतलब क्या होगा कि द्विचर संक्रिया है। उसके बाद G2 सेकंड ग्रुप क्या था, एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। एसोसिएटिविटी या साहचर्यता, साहचर्यता के लिए आप क्या करोगे, कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं हम। हमारे पास है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। साहचर्यता के लिए वन डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसका मान निकालते हैं हम, क्या आता है देखो भाई, वन को ओमेगा से किया तो क्या आया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। सेकेंड वन डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वन डॉट ओमेगा की क्यूब, ये क्या है हमारे पास, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन।
तो हम कह सकते हैं वन डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है वन डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अतः ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी क्या है, साहचर्य सभी ए बी सी किस में आएंगे, कैपिटल ए में। ठीक है, इसका मतलब ये जो डॉट गुणा द्विचर संक्रिया है वो क्या है, साहचर्य है समुच्चय ए के लिए। थर्ड क्या थी हमारे पास, तत्सर्वत अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सर्वक अवयव का अस्तित्व। देखिए भाई, संक्रिया सारणी से हमें पता चल रहा है कि प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ दोनों क्या है, समान। इसका मतलब संक्रिया सारणी में किसी भी अवयव को यदि वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापिस से क्या आता है, वही अवयव आता है। वन को वन से किया तो वन, वन को ओमेगा से किया तो ओमेगा। यानी किसी भी अवयव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें वही अवयव प्राप्त होगा। इसका मतलब संक्रिया सारणी से हमें मिला तत्समक अवयव क्या है आपके पास, वन। तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ समान है एवं इसका तत्समक अवयव क्या होगा, वन। हमारे पास मिल गया संक्रिया सारणी का प्रथम स्तंभ एवं प्रथम पंक्ति समान है एवं, देखो प्रत्येक तत्समक अवयव क्या मिल गया, वन। तत्समक अवयव वन विद्यमान है। ठीक है भाई, वन तत्समक अवयव विद्यमान है जो कि समुच्चय ए से ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी फोर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, देखिए भाई संक्रिया सारणी से ही निकालेंगे इनवर्स एलिमेंट भी। हमें किसी भी अवयव के लिए ले लो, वन को यदि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन आए, ठीक है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, वन। अच्छा, सेकंड नंबर क्या था आपके पास, ओमेगा। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन आए, तो ओमेगा को यदि मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाता है ओमेगा क्यूब, इसका मान आ गया वन। ठीक है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा से, तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। तो देखिए एक का प्रतिलोम अवयव क्या है हमारे पास, वन। ठीक है, और ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा का प्रतिलोम अवयव आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, ओमेगा। अतः मैं कह सकता हूं वन कोमे ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव क्रम से है, वन का क्या हो गया, वन। ओमेगा का क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इस वाले ओमेगा स्क्वायर का क्या हो गया, ओमेगा है, जो कि तीनों के तीनों ही समुच्चय ए से मिले हैं हमें, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है यहाँ पे। हमें क्या निकालना था, प्रूफ क्या करना है, कि हमें किसी क्या दिखाना था, ग्रुप दिखाना था। अच्छा, ये वन टू थ्री और फोर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। अतः जी या ए डॉट जो है आपके पास, ए डॉट क्या है, एक ग्रुप होगा, क्योंकि ये है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है। अतः ए डॉट जो ग्रुप कहलाएगा,
इंडोर जो वो है आपके पास संरचना, वो क्या कहलाएगी आपके पास? ग्रुप। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं? ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें चाहो तो आप क्रम विनिमेयता को भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आप सिद्ध कीजिए कि संक्रिया, ये गुणा द्वितीय संक्रिया के लिए क्या है? ग्रुप। हमने ग्रुप तक ही निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू, समुच्चय दिया हुआ है आपको। समुच्चय दे लेते हैं अपन ए या जी ले लेते हैं। जी एक सेट है हमारे पास, 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, जहां आयोटा बराबर क्या है? अंडर रूट माइनस वन। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए सीमित आवेदन ग्रुप है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमें? क्या जी जो है गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है। यह सीमित आबेली ग्रुप, सीमित आबेली ग्रुप का मतलब क्या हो गया? इस ग्रुप का ग्रुपांक भी निकालना है, ग्रुपांक या ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ग्रुप निकालते हैं इसका, ग्रुप निकालने के लिए जी आपको एक सेट दिया हुआ है, 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। गुणन द्विचर संक्रिया के लिए हम संक्रिया सारणी निकालते हैं, ये डॉट गुणन संक्रिया हो गई, 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद 1-1 आयोटा और माइनस, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को माइनस 1 से किया तो माइनस 1, 1 को आयोटा से तो आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, माइनस 1 को 1 से माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आगे आयोटा। उसके बाद आयोटा को 1 से किया आयोटा, आयोटा को माइनस 1 से किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा किया तो आयोटा की स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, आयोटा आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद माइनस आयोटा को 1 से किया तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 1, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ गई संक्रिया सारणी। अब ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी देखनी है, क्योंकि हमें आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। तो जी फर्स्ट क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए संवृत्त है या नहीं है? देखो संवृत्तता, संवृत्तता कैसे निकालेंगे? संक्रिया सारणी से देखते हैं, प्रत्येक अवयव जो है ग्रुप जी का अवयव है, इसका मतलब गुणा द्विचर संक्रिया के लिए जी क्या है? संवृत्त है। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव जी का अवयव है, अतः गुणन संक्रिया जी के लिए संवृत्त है, ठीक है भाई। गुणन संक्रिया जो है जी के लिए क्या होगी? संवृत्त। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास जी टू, एसोसिएटिविटी, साहचर्य। ये हो गई साहचर्यता।
सहचर्यता के लिए तीन एलिमेंट चाहिए हमें कम से कम। मैं ले लेता हूँ वन माइनस वन और आयोटा, बिलोंग करते हैं किसमें, जी में। तो तीनों के लिए सहचर्य प्रॉपर्टी वन इंटू माइनस वन, ठीक है, ये हो गया इंटू आयोटा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस वन इंटू आयोटा, ये आ गया माइनस का आयोटा। उसके बाद वन डॉट माइनस वन डॉट आयोटा, ठीक है, वन डॉट इन दोनों को किया तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा वन से किया तो माइनस आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी। कहाँ से आए हमारे पास, ग्रुप जी में से, ठीक है, ये ग्रुप जी नहीं सॉरी सेट जी में से, जो समुच्चय जी था उन तीनों के लिए क्या है, सहचर्य, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जी संक्रिया जो है, गुणन संक्रिया क्या है, सहचर्य है। नेक्स्ट जी थ्री, ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संक्रिया सारणी को देखेंगे। देखिए भाई, संक्रिया सारणी का प्रथम पंक्ति और ये प्रथम स्तंभ दोनों क्या है, समान है। दोनों समान का मतलब गुणन के लिए एक जो क्या है, तत्समक अवयव, क्योंकि यदि किसी भी अवयव को वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही अवयव मिलता है। अतः हम कह सकते हैं संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ समान है एवं तत्समक अवयव क्या है हमारे पास, वन विद्यमान। तत्समक अवयव एक क्या होगा, विद्यमान। जी फोर, ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, देखिए भाई, वन को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो देखिए, प्रतिलोम अवयव के लिए आपके पास चार चीजें थी, वन को यदि मैं वन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, वन। सेकंड, माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन ही मिले, तत्समक अवयव वन ही था इसलिए माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वन। उसके बाद आपके पास था आयोटा, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आयोटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस आयोटा से, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर ही आगे माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वन। अब माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आयोटा से, क्योंकि यह आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, वापिस से क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब चारों के लिए प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। लिखेंगे अपन कैसे, संक्रिया सारणी से वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा के प्रतिलोम अवयव क्रम से है। देखिए भाई, वन का तो वन ही है, माइनस वन का माइनस वन, आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा। प्रतिलोम अवयव क्या है, विद्यमान है, ठीक है भाई, तो प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। नेक्स्ट, आबेली ग्रुप के लिए जी फाइव निकालना है, क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिव क्रम
विनिमेता, विक्रम विनिमेता के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, जैसे अपन वन और आयोटा ले लेते हैं, या फिर वन और माइनस आयोटा ले लो, कोई सा भी ले लो, वन और आयोटा बिलोंग करते हैं किसमें, जी में। तो वन डॉट आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, आयोटा डॉट वन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए फॉर ऑल, सभी ए और बी कहां से आएंगे, सेट जी में से, ठीक है। इसका मतलब अतः गुणन संक्रिया जी के लिए क्रम विनिमेय है, अर्थात अतः जी डॉट जो होगी संरचना वो एक आवेली ग्रुप है। ये तो होगी आवेली ग्रुप की बात। अच्छा, ग्रुप जी में अवयव कितने हैं, ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप जी में अवयव थे 1 2 3 4, तो इस ग्रुप जी का ग्रुपांक क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, एक चार अवयव का जो ग्रुप है वो परिमित हो गया, तो ये आवेली ग्रुप जो होगा, अतः जी डॉट जो है एक सीमित या परिमित आवेली ग्रुप है, ये हो गया ग्रुप। ये था आपके पास आवेली ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी, एक समुच्चय जी दिया हुआ है 0 1 2 3 4, संक्रिया प्लस 5, संक्रिया प्लस 5, इसका मतलब होता है मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो योग 5, ठीक है, के लिए एक परिमित क्रम विनिमेय ग्रुप है। सिद्ध करना है कि जी प्लस 5 जो है एक परिमित क्रम विनिमेय ग्रुप है, इसका मतलब जो है आवेली ग्रुप सिद्ध करना है हमें, और जिसका ग्रुपांक होना चाहिए 5, जिसका ग्रुपांक, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको दिया हुआ है जी एक समुच्चय है 0 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 5 मॉड्यूलो जो है वो निम्न प्रकार परिभाषित होता है कि ए और बी बिलोंग करेंगे किसमें, जी में, तब ए प्लस 5 बी इस प्रकार परिभाषित है कि ए प्लस 5 बी इज इक्वल टू आपके पास आएगा ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज लेस देन 5, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 5 से छोटी, यदि और ए प्लस बी माइनस 5, इफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, तो आएगा आपके पास ए प्लस बी माइनस 5। हम निकाल लेते हैं संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी के लिए ये मैंने बना दिया आपके पास संक्रिया सारणी प्लस 5 के लिए, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और, ठीक है,
जीरो में जीरो ऐड किया तो क्या आएगा, देखो पांच से कम होगा तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पांच से ज्यादा होगा इसका मतलब फाइव माइनस कर देंगे उसमें से। अच्छा जीरो में जीरो तो जीरो वन टू थ्री और फोर, ठीक है। वन में जीरो ऐड किया तो जीरो वन और वन टू, वन और टू थ्री, वन और थ्री फोर, उसके बाद वन और फोर फाइव, फाइव आ गया तो इसका मतलब उसमें से फाइव क्या करना है, माइनस फाइव माइनस फाइव जीरो, टू जीरो जीरो, टू और वन थ्री, टू और टू फोर, टू और थ्री फाइव, फाइव का मतलब जीरो, थ्री और फोर या टू और फोर सिक्स, सिक्स में से फाइव माइनस किया तो वन, थ्री जीरो जीरो, थ्री वन फोर, थ्री और टू फाइव, इसका मतलब माइनस फाइव जीरो, थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स माइनस फाइव वन, थ्री और फोर सेवन, सेवन माइनस फाइव टू, फोर जीरो जीरो, फोर और वन फाइव, फाइव में से देखिए फोर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, वन जीरो वन टू थ्री, और ये फोर जीरो क्या हो जाएगा आपके पास फोर, फोर और वन फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, फोर और टू सिक्स, सिक्स माइनस फाइव वन, फोर और थ्री सेवन माइनस फाइव टू, फोर और फोर एट, एट माइनस फाइव यानी थ्री। देखिए संक्रिया सारणी में प्रत्येक अवयव जो है वो किसका है, ग्रुप जी का। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, प्रत्येक अवयव जी का, इसका मतलब जो है समृद्ध होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारे लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपके पास समृद्धता। देखिए संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव जी का अवयव है, अतः प्लस फाइव जो है जी के लिए समृद्ध है, प्लस फाइव जो संक्रिया थी वो जी के लिए क्या होगी, समृद्ध। जी टू प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी, यानी सहचर्यता, सहचर्यता के लिए आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। मैं ले लिया आपके पास जीरो, सॉरी वन टू और थ्री बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अच्छा वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, इसको सॉल्व किया वन और टू थ्री, थ्री प्लस फाइव थ्री, देखिए थ्री और थ्री क्या होगा सिक्स, सिक्स जो है उस सिक्स में से क्या माइनस करना है आपको फाइव, क्योंकि ये क्या आगे दोनों का सम जो आ रहा है फाइव से बड़ा, तो सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, ऐसे देखते हैं अपन, वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, तो हो गया वन प्लस फाइव टू और थ्री फाइव, फाइव फाइव क्या आएगा टू प्लस थ्री फाइव, फाइव आ गया तो इसका मतलब फाइव माइनस करना, इसका मतलब जीरो, और वन और जीरो वन, देखिए दोनों की दोनों क्या है बराबर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी इज इक्वल टू है ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी, फोर और ए बी सी किस में से आएंगे, ग्रुप सेट जी में से, इसका मतलब प्लस फाइव के लिए या प्लस फाइव जो है जी के लिए सहचर्य है, हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास जी थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखिए संक्रिय सारणी का प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ क्या है, समान, इसका मतलब किसी में भी यदि जीरो का ऐड किया जाए, किसी भी अवयव में जीरो को ऐड किया जाए तो वही अवयव मिलता है हमें, तो
संक्रिया सारणी से, संक्रिया सारणी में प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ समान है, दोनों समान है एवं तत्समक अवयव क्या मिल गया हमें, तत्समक अवयव 0 विद्यमान है, तत्समक अवयव क्या होगा 0 उपस्थित होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है G4, ध्रुव की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखिए भैया, आप प्रतिलोम अवयव कैसे निकालना है आपको मैंने बताया था, प्रतिलोम अवयव के लिए कि दोनों का योग कितना आना चाहिए आपके पास 0। अच्छा तो 0 जो है उसमें क्या ऐड करूं, 0 तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। सेकंड अवयव है 1, 1 की संक्रिया किससे कराई जाए, 1 + 5 = 4, दोनों का योग कितना आ गया 5, 5 में से 5 माइनस किया तो 0। 2 की संक्रिया किससे कराई जाए, 3 से, इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे पास 0। और 3 की किससे कराई जाए, 2 से, तो क्या आ जाएगा 0। 4 की 1 से तो 0, इसका मतलब इसका प्रतिलोम अवयव ये उपस्थित है, इसका प्रतिलोम अवयव ये, और ये सारे ही अवयव किसके हैं, समुच्चय जी के। इसका मतलब संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि अवयव कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4 के प्रतिलोम अवयव क्रम से है, कौन कौन से है, 0 का क्या हो गया 0, 4, 3, 2 एवं 1, समुच्चय जी में विद्यमान है। ठीक है भाई, ये इनवर्स एलिमेंट भी समुच्चय जी में उपस्थित है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि स्टार जो प्लस फाइव मोडुलो जो संक्रिया थी वो क्या है, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप, मतलब आबेली ग्रुप सिद्ध करना है, आबेली ग्रुप के लिए क्रम विनिमय नियम का और पालन करना चाहिए। इसका मतलब कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता के लिए कोई भी दो अवयव ले सकते हो आप, जैसे मैं ले लिए माना 1 और 4 ले लेते हैं, 1 और 4 बिलोंग करते हैं किसमें, जी में, तो 1 + 5 = 4 = कितना आ गया 0 = 4 + 5 = 1। ठीक है, क्या मिला हमें, दोनों के दोनों सेम, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a + 5 b = b + 5 a, 4 और a b belongs to क्या है जी। तो ये क्रम विनिमय नियम, ये प्लस फाइव जो संक्रिया है मोड्यूलो 5 वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो जी प्लस फाइव जो संरचना है वह एक परिमित आबेली ग्रुप है, जिसका ग्रुपांक 5 है। मैंने कैसे कह दिया कि परिमित आबेली ग्रुप है और उसका ग्रुपांक 5 है, क्योंकि ग्रुप का ग्रुपांक समुच्चय जी में अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया परिमित आबेली ग्रुप और उसका ग्रुपांक कितना हो गया 5। हम कह सकते हैं कि जी प्लस फाइव एक परिमित आबेली ग्रुप है और उसका ग्रुपांक क्या है 5। तो ये थे हमारे पास 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे और उनको प्रूफ करेंगे। सो थैंक यू गाइस।